हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। आज आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की बात बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिंधु सांधव, ये पूरी की पूरी एक ही सभ्यता के नाम। और इस सभ्यता की आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह है इसका नगर नियोजन। नगर नियोजन, नगर नियोजन, नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन क्या है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, तो इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और अब आपको बता दें कि सैंधव सभ्यता का जो नगर है इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। सैंधव सभ्यता का नगर नियोजन ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। तो आप ये ध्यान दे लीजिए कि सैंधव सभ्यता की जो नगर योजना है इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। और इसको देखिए क्या है ये। अब इसकी सबसे बड़ी बात करें तो सड़क निर्माण, सड़क निर्माण इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सड़कें जो है प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आती। सड़कें इस तरह की हैं जो एक दूसरे को क्या है, समकोण पर काटती हुई नजर आती हैं। सड़कों के किनारे जो है क्या होते थे, सड़कों के किनारे जो है क्या होते थे, ये जो है सड़कों के किनारे जो है, सड़कों के किनारे मुख्य छोटी छोटी गलियां होती थी। और सड़कों किनारे जो घर बने होते थे उनके दरवाजे मुख्य मार्ग की तरफ न खुल करके अन्य मतलब गलियों की तरफ खुलते थे। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता है सड़कों के किनारे चबूतरे होते थे। और चबूतरों का उपयोग या तो दुकान लगाने के लिए किया जाता था या अनाजों की मड़ाई के लिए किया जाता था। इसका अभी तक स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। इसके बाद दूसरी विशेषता है भवन। भवन, इसकी दूसरी विशेषता है भवन। भवन जो है प्राय एक मंजिला बहुमंजिला तक मिले हैं। जो दुर्ग होता था, दुर्ग में जो है भवन प्राय जो है बड़े होते थे, विशाल होते थे, अधिक होते थे। और कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के भवन मिले हैं। भवन में जो ईंटें प्रयोग होते थे प्रायः वो जो है 7.5, 7.5, 30, 15 इस इकाई में मिले हैं। और जो उसके अन्य जगह खंभे बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसका 10 × 20 × 40 इस तरह का उनका उपयोग किया गया। इस तरह के ईंटें यहाँ पर प्रयोग किए जाते थे। और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है भवन। और इसमें विशाल अन्नागार और विशाल सभा भवन जो है इसके मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार और सभागार इसकी सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं। यह विकसित जो है योजना होती। भवनों के भीतर प्राय जो है जलकुंड होता था, जिसे आप एक तरह से कहते स्विमिंग पूल बोल सकते हैं, यह होता था। और इसमें लोग क्या करते थे, स्नान करते थे। स्नानागार प्रत्येक घरों में पाया जाता था। टॉयलेट का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इससे जो है यह सभ्यता की थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट है। नैतिक सभ्यता जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यताओं में से एक। और इसे विकसित किसने किया, ऐसे व्यक्ति जिन्हें सभ्यता का पता नहीं था और ऐसे व्यक्तियों ने किया इस सभ्यता का विकास। और इसके बाद बात करते हैं, भवन हो गया इसका, सड़क निर्माण, भवन, नगर बसाव। नगर बसाव की बात करें तो नगर जो है दो भागों में बढ़ जाता था। मैंने पहले भी बताया था, दुर्ग और गढ़ी। दुर्ग में राजा और राजा के उच्च पदों पर काम करने वाले अधिकारी होते थे, जबकि गढ़ी में छोटे कर्मचारी और मजदूर वर्ग और कृषकों का परिवार निवास करता था। इस तरह से नगर दो भागों में बटा है। धौलावीरा में नगर के 3 स्तर मिलते हैं, जबकि कुछ ऐसे स्थान भी है जहां पर भवन का मतलब नगरों का विभाजन नहीं मिलता है। ये सैंधव सभ्यता की सबसे दूसरी विशेषता रही है। और इसके बाद अब आपको बता दें कि सड़कों के किनारे प्रकाश,
प्रकाश की व्यवस्था मिलती है, व्यवस्था इसकी विशेषता रही है। उत्तम जल निकासी, उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी, नालियां बनी होती थी, नालियों को नदियों से जोड़ दिया जाता था, और नदियों की जब नालियां जो है नदियों में मिलती थी वहां पर मटके लगा दिए जाते थे, जिससे भारी मात्रा में खरपतवार जो है नदी में जाने के पहले मटके में रुक जाए और पानी ही छनक जाए, इस तरह की व्यवस्था की गई थी। ये जो है इसके नगर नियोजन की व्यवस्था विशेषता थी। इसके अतिरिक्त जो है सफाई, सफाई की जाती थी, सफाई इसकी विशेषता थी। सफाई जैसे सिल्ट निकालने के साक्ष्य मिले हैं, सड़कों के किनारे जगह जगह पर सिल्ट के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जो है बीच बीच में मतलब नालियों की सफाई की जाती थी, सिल्ट को बाहर निकाल दिया जाता था, जिससे जल आसानी से नदियों तक तो पहुंच सके और कूड़े करकट को भारी मात्रा में रोका जा सके, इस तरह की व्यवस्था थी। ये इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी, किसकी? सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन की। ये इसके अतिरिक्त जो है सैंधव सभ्यता में जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था मिलती है। हर घरों में स्नानागार का पाया जाना, स्नानागार जो है विशाल स्नानागार भी मिले हैं। विशाल स्नानागार जो है जो मिला है वो जो है प्रायः तीन तरफ से बरामदों से घिरा हुआ है, तीन तरफ से बरामदे हैं और ये बरामदों से तीन तरफ से घिरा हुआ, किससे? बरामदों से तीन तरफ से घिरा हुआ है। और यहाँ पर ये जलकुंड है, जलकुंड में जब सब लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, और प्रायः ये जो है ऐसा बनाया गया है कि जब व्यक्ति नहाने जाए तो वर्षा या धूप से बचने के लिए इन बरामदों का उपयोग कर सके। यह एक तरह से सार्वजनिक स्नानागार रहा होगा। अन्नागार मिला है, जो अन्नागार मिला है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह कई खंडों में विभक्त है और प्रायः इसमें छह छह खंडों के वो रहे हैं, और जो खंड बने हैं इस तरह से खंड बने हुए थे, छह छह खंड, इस तरह जो खंड बने होते थे, इसके बगल में ही मजदूरों का आवास मिला है। आइए, किसके किनारे होते थे? नदियों के किनारे होते थे। इससे ये पता चलता है कि सैंधव निवासी जो है प्रायः जल व्यापार, जल के माध्यम से कर की वसूली करके जल यातायात के द्वारा जल को संग्रहित करते थे, और उन्हें उतारने के लिए मजदूर सदैव तत्पर रहते थे, इसलिए मजदूरों को वहां पर क्या हुआ था, रखा गया था। इस तरह की ये व्यवस्था यहाँ पर मिलती है। ये सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी व्यवस्था विशेषता है, वह क्या है? नगर नियोजन। ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नगर नियोजन। विशाल विशाल स्नानागार मिलना और विशाल अन्नागार मिलना, इस तरह की ये व्यवस्था मिलती है। अब इसके बाद अगला इसकी जो विशेषता है, अब इसमें देखें, अगर आंसर राइटिंग की दृष्टि से देखें तो ये आपका आता है कि वास्तव में सैंधव सभ्यता की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। अगर सैंधव सभ्यता की वर्तमान प्रासंगिकता की बात करें तो वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है? वर्तमान, वर्तमान प्रासंगिकता, प्रासंगिकता इसकी क्या है, प्रासंगिकता क्या है? अब आपको बता दें कि प्रासंगिकता इसकी अगर बात करें तो सैंधव सभ्यता की वर्तमान में सरकार ने इसकी आधार पर क्या किया, तो सैंधव को देखते हैं। सैंधव नगर नियोजन, नियोजन देखते हैं तो सैंधव नगर नियोजन, अगर इस तरह से प्रश्न पूछता है कि सैंधव नगर नियोजन को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने कौन कौन सी योजना बनाई या उसकी उपादेयता क्या है, इस तरह की बातें जो है सैंधव नगर नियोजन में किया जाता है। तो सैंधव नगर नियोजन की बात करें तो आपको क्या देखते हैं इसमें, तो नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। दूसरा व्यापार एवं वाणिज्य प्रधान। इसकी जो तीसरी विशेषता है सड़कें, जल निकासी, स्नानागार, ये चीजें यहां पर उपलब्ध हैं। तो वर्तमान में सरकार ने इसके आधार पर नगर का क्या किया, तो वर्तमान में अगर देखें
तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी योजनाएं चलाई, तो वर्तमान में देखें वर्तमान नगर कैसे हैं, इस आधार पर देखते हैं। वर्तमान नगर में सरकार ने स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, दूसरा नगर पालिका प्रशासन करने के लिए, दरवाजा दरवाजा बंद योजना, दरवाजा बंद योजना सरकार ने शुरू किया, नगर आयुक्त होते थे मेयर व मेयर व प्राधिकरण, ऐसी इकाइयों का विकास किया सरकार ने। क्या किया? स्मार्ट सिटी, नगर पालिका, दरवाजा बंद योजना शुरू किया, शौचालय और सुलभ कॉम्प्लेक्स के लिए नगर आयुक्त बनाए गए, प्रशासन के लिए मेयर व प्राधिकरण बनाए गए। तो इस तरह से जो है ये इकाइयां विकसित की गई वर्तमान में। तो वर्तमान में ये इसकी क्या है, उपादेयता है, और व्यापार एवं वाणिज्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान में सरकार ने जो है स्टार्टअप योजना शुरू किया, इसके बाद लघु ऋण देना शुरू किया, बैंक का विकास किया, बैंक विकास, ये सब क्या है, इसी के जो है स्वरूप है। इसके स्थान पर सड़कें, एनएच मतलब नेशनल हाईवे बनाया सरकार ने, इसकी उपादेयता की बात करें तो सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाया, सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाया सरकार ने, सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया, ठीक है। इस तरह से जल निकासी के लिए नाले बनवाए, इस तरह के जो ये चीजें जो है सरकार जो है वर्तमान में कर रही है। स्वच्छता अभियान शुरू किया, स्वच्छता अभियान शुरू किया, इस तरह की योजनाएं शुरू कर रहा है सरकार वर्तमान में। तो इस तरह से अगर ये आपको प्रश्न पूछता है कि सैंधव सभ्यता के आधार पर, सैंधव सभ्यता आधार है नवीन नगरों का, अगर इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछता है तो ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि किस तरह से नए शहरों का क्या है, ये जो है आधार बनी है, इस तरह से इसका प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और इसके लिए आप हमारे मनोज चैनल, मनोज आईएएस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आप और आपके दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। और इसके अतिरिक्त जो है जो आपको सुझाव देना है उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और जो आपको प्रश्न पूछना है उसे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जय हिंद।